हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के व्लॉग की शुरुआत लगभग 1 बजे हो रही है, क्योंकि हम जा रहे हैं, आज संडे था तो थोड़ा आउटिंग प्रोग्राम बन गया ऑल ऑफ सडन। तो अब हम जा रहे हैं पलमावली साइड, तो वहाँ चल के आपको वहाँ का नज़ारा बताते हैं। ऐसे घूमने फिरने का प्रोग्राम बन गया, तो मेरे साथ डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब हेलो तो कर दो, आगे हेलो तो कर दो, बॉय आगे आगे करो ना, ऐसे थोड़ी दिखते नहीं हो आप। तो ये हमारे डॉक्टर साहब, खैर जोरीवासी तो इनको जानते होंगे। चल रहे हैं अब हम पलमा वाली साइड। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये रूट है हमारे। अब पहले हम पलमा का प्रोग्राम बना था, अब प्लान बन गया आगे बकोरी वाली साइड चलेंगे, कोटरंग का कंडी। तो ये आप देख सकते हैं रूट बहुत ही अच्छा है। और मैं बता दूं कि राजौरी के मौसम में और यहाँ के मौसम में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ की हवा ठंडी है, हालांकि राजौरी की हवा थोड़ी अभी गर्म थी, आज गर्मी थी काफ़ी, तो यहाँ वाली हवा थोड़ी ठंडी चल रही है। तो आप देख सकते हैं रूट। वो सामने आप सामने का नजारा देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। मैं आपको अभी बताता हूँ गाड़ी साइड पे पार्क करके। अभी हम मंदिर गाला भी नहीं पहुंचे और ये सामने का व्यू आप देख सकते हैं, ये अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये देख लो, ये पूरा पत्नीटॉप का नजारा। ये देखो लोग जो आज संडे के दिन फैमिलीज के साथ बाहर आते हैं आउटिंग पे, फोटो सेशन हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम मंदिरगाला पहुंच चुके हैं। आपको पता होगा अगर लास्ट टाइम राजौरी में एनकाउंटर हुआ था तो हमें यहाँ ही मीडिया को के यहाँ से आगे जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। तो ये मंदिर आ गया, मंदिरगाला का मंदिर आ गया। तो गाइस जय माता दी लिख दो, जय माता दी। फ्रेंड्स मौसम इतना ऑसम हो चुका है कि क्या बताऊं मैं आपको, ठंडी हवा चल रही है। फ्रेंड्स जो आज का मौसम बना हुआ है बहुत प्यारा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और फुल ऑन एंजॉय चल रहा है, मतलब मौसम का पूरा लुफ्त हम ले रहे हैं। लुफ्त या लुत्फ, हमें कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं आता। ये हमारे साथ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना, मेरी यूट्यूब फैमिली को कुछ कहना चाहोगे? डॉक्टर साहब मेरी यूट्यूब फैमिली को कुछ कहना चाहोगे? मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि सभी इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और छोटे बच्चे को अपना आशीर्वाद दो, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाओ। और ये जो न्यूज़ कोई भी शेयर करता है आपको, आप सभी इसको लाइक और कमेंट पक्का कीजिए।
डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, अब हम जा रहे हैं जहाँ बकोरी पे, वहाँ टूरिज्म की तरफ से इतना कुछ है नहीं है, लेकिन लोग वही अंश नदी के पास जाके बैठते हैं, तो क्या आपको लगता है कि टूरिज्म को कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट करनी चाहिए, हट्स वगैरह बना के कुछ सीटिंग अरेंजमेंट करके इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करें, जैसे हट्स हो गए और अच्छी सी बैठने की जैसे पार्क टाइप कुछ ऐसे बैठने के लिए वहाँ पे कुछ रखें। गवर्नमेंट को चाहिए, रश तो बहुत होता है इन दिनों में, ये जो दो महीने होते हैं जून और जुलाई का, दो महीने यहाँ पे फुल रश रहता है। अभी हम जाके देखेंगे ना, देखना वहाँ पे कितने लोग बाहर से आते हैं, जम्मू से, मतलब बाहर से इन द सेंस फॉरेन से नहीं, लेकिन एटलीस्ट जम्मू आसपास की डिस्ट्रिक्ट से भी लोग जब रजौरी आते हैं तो बकोरी वाली साइड ज़रूर आते हैं। और एक दूसरी साइड है धराल में, धराल वाटरफॉल में भी हम अगर नेक्स्ट संडे को यहाँ हुए तो श्योरली आपको हम वहाँ के वहाँ भी ले चलेंगे और उस जगह को भी एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल हम बकोरी एक्सप्लोर करने आए हुए हैं तो बकोरी के ही आपको व्यूज बताएंगे। देखिए गाइस ये मशीन है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सामने का मौसम कितना प्यारा बना हुआ है, हमारा रजौरी पत्नीटॉप से कम नहीं है। अगर इसको अच्छी तरह से डेवलप किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, टूरिज्म की तरफ से, तो हमारा बकोरी जो है पत्नीटॉप से कम नहीं है। ये आप सामने का व्यू देख सकते हैं, ऊपर पहाड़ देख सकते हैं, ये सामने आप देख सकते हैं, तो गाइस ये जो सामने वाला पहाड़ आप देख रहे हैं ये यहाँ पे तो फ्रेंड्स ये वो इलाका है जहाँ पे पिछले दिनों एनकाउंटर हुआ था, कंडी इलाका। ये सामने का जो आप फॉरेस्ट देख रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया, ये वाला एरिया जो आप सेंटर में देख रहे हैं, कुछ पेड़ मिल रहे हैं बीच में, बिल्कुल दोनों तरफ पहाड़ हैं और बीच, दोनों पहाड़ों के बीच का जो मिलन है वहाँ पे एनकाउंटर हुआ था, जिसमें हमारे कुछ कमांडोज जो है शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे, रक्षत नमन। तो फ्रेंड्स जैसे हम ये बकोरी पहुंचे हैं ये एक्सीडेंट देखने को मिला है, गाड़ी वाले से शायद टर्न ही नहीं हुई तो इको सीधा आके। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं अभी बकोरी में, तो अब हम जा रहे हैं नीचे अंश नदी के पास। ये देख सकते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो आप अकेले अकेले? बुरा यार ये गलत होता है यार, पूछते भी नहीं, तो हमें पता बताते भी नहीं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे का रश कितना है, तो यहाँ से गाड़ी पार्क करके तो फ्रेंड्स अब यहाँ से हम निकलेंगे, यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बाय वॉक जाना पड़ेगा हमें नीचे। फ्रेंड्स ये रास्ता है, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या टूरिज्म हो उनसे रिक्वेस्ट है कि जैसे धरहाल वाटरफॉल में स्टेयर्स बनाई गई हैं तो यहाँ पे भी बनाई जाएं, ताकि आने जाने वाले को कोई परेशानी ना हो। देख सकते हैं आप कितनी परेशानी से लोग जो हैं आ रहे हैं, बच्चे हैं सारे हैं। फ्रेंड्स ये हमने क्रॉस करके जाना है, ये आप देख सकते हैं देख सकते हैं कितने टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं, टूरिस्ट क्या कर सकते हैं, लोकल आए हैं एंजॉय करने के लिए। इसको पार ऐसे करके ऐसे पार करो, इस पास कितनी ठंडा हुई है। फ्रेंड्स अभी हम बैठे हुए थे यहाँ पे तो हमें शंटी भैया मिल गए थे, शंटी भैया क्या कहना चाहोगे? बस संडे है, बच्चों को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं और मेरे फ्रेंड यहाँ पे मिले हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। शंटी भैया एक चीज़ है कि टूरिज्म या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड की जा रही, जैसे कोई हट्स हो गए, बैठने की जगह हो गई, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पहले यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले एक रास्ता बनना चाहिए, जो कि एक फैमिली आती है, बच्चे आते हैं, हर सामान लेने के लिए नीचे आना पड़ता है,
और बुजुर्ग वगैरह जो आते हैं वो आ नहीं पाते सही ढंग से, और कोई कुछ गिर जाते हैं पानी में। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि एक पिकनिक स्पॉट बनाया जाए और रास्ता ये बिल्कुल क्लियर किया जाए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रास्ते का कोई प्रबंध नहीं है, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि रास्ते के लिए कुछ किया जाए, जैसे दरहाल वाटरफॉल में स्टेयर्स बनाई गई हैं, उसी तरह से जो है यहाँ बकोरी में भी अंश नदी के पास में जो है पूरा रास्ता बनाया जाए, प्रॉपर रास्ता बनाया जाए, जिससे आने जाने वाले को छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक किसी को परेशानी ना आए। तो यही रिक्वेस्ट यहाँ पे लोगों की भी है कि पहले सबसे पहले रास्ता बनाया जाए, उसके बाद यहाँ पे सीटिंग का अरेंजमेंट किया जाए, कुछ हट्स बनाए जाएं ताकि जो हमारा बकोरी है पत्नी टॉप से कम नहीं है, इसको एक्सप्लोर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात। यहाँ के मौसम की बात की जाए, खूबसूरती की बात, मौसम तो ये कश्मीर से भी बिल्कुल कश्मीर की तरह मस्त है मौसम यहाँ पे। जैसे अभी हम जवानगर से आए हैं, जवानगर में इतनी गर्मी थी, यहाँ पे आके हमें बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है गर्मी से। आज हम आए हैं संडे के दिन, और मेरे हिसाब से ना हिंदू मुसलमान सिख सब इकट्ठे बैठ के यहाँ इंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, अपनी अपनी फैमिली के साथ, और काफी मजा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं हम, यहाँ से पानी का रास्ता बनाया हुआ है, तो अभी हम पानी से निकल रहे हैं। इस साइड भी पानी है, ये भी पानी है, इस साइड भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है। ठीक हो? फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अभी मैं जब ये छोटी सी नदी से निकल रहा था तो मैं गिर गया, ये कितना गीला हो गया था, मेरे चाबी बच गई। तो बहुत अच्छा लग रहा है, पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा पानी है, मतलब एंजॉय हो रहा है, अच्छा वेदर अच्छा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जनता जो है आई हुई है, रजौरी से पूरी काफ़ी जनता आई हुई है, एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं लोग। आपने जैसे ब्लॉग में देखा भी, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं पानी में, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो गर्मी से बचने के लिए जो है लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरी एट लास्ट फिर से टूरिज़्म और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील रहेगी कि इस और ध्यान दिया जाए बकोरी वाली साइड, यहाँ पे अच्छा सा पार्क बनाया जाए, सीटिंग एरिया बनाया जाए, ताकि बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं बच्चे भी यहाँ पे आ सके। ये देखो छोटे छोटे बच्चे, बॉडी वाले बच्चे अभी नहा के ये बाहर आए हैं। थोड़ा डांस करोगे? नहीं करोगे? फिर हम करें डांस। चलो जी ये देखो भाई, ये वीडियो से ब्लॉग बना रहे हैं। ओ गिर गया, हो गया, गिर गया। ये गलती नहीं है। देखो शिवम जी फुल एंजॉय कर रहे हैं आज, फोटो खींचे ट्यूब से ऊपर से आए हैं, कोई 20-25 किलोमीटर से ऊपर से। यस ओ नहीं 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 हां खींचो। तो ये हमारे साथ अभी गोल्डीबिया आए हुए हैं, गोल्डीबिया मिल चुके हैं हमें यहाँ पे बकोरी में। तो गोल्डीबिया किस तरह का फील आ रहा है आपको जवानगर और बकोरी में, जिस तरह से जवानगर में गर्मी है और हम अभी यहाँ पे आए हैं एक एंजॉय कर रहे हैं पानी में अंश नदी के किनारे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा जैसे हमारे जितने भी रिलेटिव जो लोग अपनी जमीन में या कुछ नहीं है बाहर हैं, तो अक्सर क्या होता है कि गर्मी छुट्टी में लोग ना अपने रिलेटिव से मिलने के लिए आते हैं,
हमारा ये मोटिव रहता है कि जब रिलेटिव मिलने के लिए आते हैं तो कहना होता है कि हम अपने रिलेटिव से कहीं घूमने के लिए जाएंगे। हम घूमने के लिए जाते हैं, बोल सकते हैं अच्छा प्लेस है, प्लेस पर आते हैं। डॉक्टर एम्बुलेंस के अलावा इसमें यहाँ पे लोग डॉक्टर एम्बुलेंस हमने हुए दिखाते हैं, ठीक है। डॉक्टर एम्बुलेंस अलावा यहाँ डॉक्टर अच्छा बना हुआ है। एक नदी बहती है यहाँ पर, उसके आगे पीछे यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, उन्हें से लिखी है वहाँ से बहती है। वहाँ से बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि बोरी में डेवलपमेंट उतनी हुई नहीं है। लोग क्या करते हैं कि ऊपर बस स्टैंड के नीचे ना यहाँ पार्किंग करते हैं, गाड़ लगाने की जगह नहीं है, नीचे से आने का रास्ता नहीं है। यहाँ देखो इनका कितना क्रोध है। मैंने यहाँ पे दो तीन जो लोकल्स हैं उनसे बात की थी, वो भी यही कह रहे थे कि बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, रास्ता नहीं है, प्रॉपर रास्ता नहीं है और बैठने की जगह नहीं है। लोग कभी पत्थरों पे बैठते हैं या कुछ ऐसी जगह पे बैठते हैं, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या अपील रहेगी? मैं यहाँ पे जो पहले मिनिस्टर रहती हैं जुल्फार अली, तो सब उन्होंने यहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी डेवलपमेंट की है। अगर वो दो तीन साल हो रही है तो शायद यहाँ पे डेवलपमेंट करवा देंगे उन्हें यहाँ पे बोरी में। लेकिन इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन जो है LG एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे क्या अपील रहेगी कि यहाँ पे किस तरह का पार्क होना चाहिए, बैठने की किस तरह से सुविधा होनी चाहिए, कैफेटेरिया होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल छोटे से लेके बुजुर्ग तक यहाँ पे बेसिकली सबसे प्रॉब्लम यहाँ पे जितने भी रजौरी के लोग रिलेटिव जम्मू में है, जम्मू से बाहर है, गर्मी छुट्टी में जो जिन लड़की शादी यहाँ से बाहर हुई है वो आते हैं, उसे सवाल वाले आते हैं, काफ़ी रिलेटिव आते हैं, बोरी को आते हैं, यहाँ आने की जगह नहीं, रास्ता नहीं है, यहाँ इस एरिया को डेवलप करना चाहिए। इतना अच्छा सा पानी है, तीन चार ग्राट इनको बोलते हैं, जो आटा चक्की पुराने टाइप की, जो आटा पीसता था वो देखने की लोकेशन है। पेड़ अच्छे लगे हुए हैं, थोड़ी पार्क डेवलपमेंट की जाए, कैफेटेरिया बनाए जाए, एक आधा रेस्टोरेंट बनाए जाए, या टूरिज्म की हेल्प से बाहर से लोग यहाँ देखने के लिए आए। ये काम है टूरिज्म का, अगर टूरिज्म इस एरिया को डेवलप करेगी टूरिस्ट यहाँ पे आएगा। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? गजब बेइज्जती है। टूरिस्ट हट बन गई, टूरिस्ट हट भी बना सकते हैं, जैसे DKG बनाई हुई, टूरिस्ट हट बना सकते हैं, कैफेटेरिया बना सकते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट बना सकते हैं, लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। यहाँ ये पिछड़ा वर्ग है, यहाँ की कैटेगरी ALC RBI थे, उनको कुछ सहूलतें मिलेंगी, ठीक है। मैं यही उससे यही अपील करना चाहता हूँ कि यह इस एरिया को डेवलप किया जाए। तो एट लास्ट मेरे ब्लॉग के जो मेरी फैमिली है, YouTube फैमिली, उसके लिए क्या अपील रहेगी कि इस ब्लॉग को किस तरह से आप प्रमोट करें? लाइक करो, शेयर करो। मैं कहता हूँ ये लाइक करो, शेयर करो, या शिवम जी आए हैं, काफ़ी और लोग आए हैं कि शिवम जी और मैं बैठे हुए हैं, कम से कम इस 8% कम से कम भी यहाँ पे हर कम्युनिटी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कौन सा भी स्टूडेंट आपको वीडियो लगा के देखेंगे। बस ये आप देख सकते हैं लोग किस तरह से जा रहे हैं। क्योंकि रास्ता ना होने के कारण, प्रॉपर रास्ता ना होने के कारण लोग बहुत कस से जाते हैं या नीचे उतरते हैं जी। यहाँ पे लोगों को इसका एडवाइस चाहिए कि टूरिज्म करके प्रमोट करें, हर कम्युनिटी के यहाँ लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। तब से एटलीस्ट रास्ता बना दो, छोटा मोटे पुल शूल बना दो, पुल नहीं बनाओ, थोड़ा ऑन द वे वॉक बना दो, इस एरिया को डेवलप करो। अगर डेवलपमेंट होगी, अगर लोग यहाँ आएंगे, किसी का चिप्स बिकेगा, या कोल्ड नहीं बिकेगा, किसी का होटल खर्च निकलेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार चलेगा। तो ये थे हमारे साथ गोल्डी भैया, तो ऐसे हम इनको गोल्डी भैया ही कहते हैं। अमित स्पोत्रा हैं जो जवानगर से हैं, तो इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी है कि किस तरह से यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा सके। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको इतना शेयर कीजिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज़्म डिपार्टमेंट इस पर कुछ वर्कआउट कर सके, ताकि जो यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट हैं उनको सहूलियत मिल सके। फ्रेंड्स, ये था आज दिन भर का ब्लॉग, किस तरह से हम ये अंस नदी में आए हुए थे। अंस नदी के पास में डाइवर्शन बनाई हुई हैं, छोटे छोटे नदी नाले बनाए हुए हैं, ताकि यहाँ पे ग्राट चलते हैं जो मक्की पीसते हैं शायद से कुछ। क्या बोला तूने? इसी तरह से चलता है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। तो ये वो मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। हालांकि जब मैं पहले आया था तो तब पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो अब का पानी थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका है कि टेम्परेचर उसी तरह से हो चुका है अकॉर्डिंग टू वेदर।
आपको थोड़ी देर बाद टुटे जाना बिच गिर गया गिर गया गिर गया ये आप देख सकते हैं हर जगह पेड़ ही पेड़ है पेड़ ही पेड़ है। ये आप देख सकते हैं इस तरफ घने बादल हैं बकोरी एरिया में अभी, और इस तरफ अगर हम राइट साइड देखें तो बिल्कुल अच्छा मौसम हो चुका हुआ है, धूप नहीं है, ऐसे बच्चे खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे के पीछे छुप रहे हैं। जी आप देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस है, लेकिन यहाँ जो है पत्थरों के ही सहारे आपको यहाँ से निकलना पड़ता है। पत्थरों से गुजर के जो है हमें क्रॉस करनी पड़ रही है, और ये वो रास्ता है। बोला तो फ्रेंड्स ये है रास्ता। रुको जरा, सबर करो। तो मेरी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म से यही रिक्वेस्ट लगी कि एटलीस्ट यहाँ पे जो है रास्ता बनाया जाए, प्रॉपर स्टेयर्स बनाए जाए, ताकि बकोरी में जो है टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सके। मेरी यहाँ के लोगों से भी एक अपील रहेगी, जो बुद्दल बकोरी के लोग हैं, कि यहाँ पे जो है नाइट कैंपिंग का भी, जिस तरह से हम जम्मू के थोड़ा सा आगे जंगल गली का, माफ कीजिएगा सांस फूल चुकी है, क्या बढ़िया था नीचे से ऊपर आते हुए, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा रास्ता कवर करके हम ऊपर आए हैं। तो मेरी यहाँ के लोगों से भी अपील रहेगी कि यहाँ पे नाइट कैंपिंग का भी प्रबंध किया जाए, ताकि लोग यहाँ पे आए, इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करें। तो ये जगह एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये है वो रास्ता, ये आप देख सकते हैं, ये लिंक है कनेक्टेड नीचे, ये आप देख सकते हैं लोग किस तरह से क्रॉस करते हैं, ये आप देख सकते हैं लोग किस तरह से क्रॉस, ये पत्थरों के सहारे क्रॉस किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बारिश का माहौल बढ़ता शुरू हो चुका है, हम अभी ये कोटन कावल एरिया से निकल रहे हैं, तो बारिश का माहौल तो शुरू हो चुका है। बस तो ये आप देख सकते हैं लाल पास पहुंच चुके हैं, हम लाल पास ही पहुंच चुके हैं, अभी हम जस्ट यहां से बकोरी से निकले हैं कंडी एरिया से, और आप बारिश देख सकते हैं। बारिश जो है साफ, और नॉर्मल बारिश नहीं है, हैवी बारिश है।
चल रही है और हम हैवी ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहे हैं। हैवी बारिश चल रही है और हम हैवी ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फ्रेंड्स, ये आपने देखा आज दिन भर का व्लॉग, किस तरह से हमने मस्ती की, पानी में मस्ती की। और गर्मी का मौसम था तो हम जवानगर से जो है बकोरी वाले एरिया में आए थे। बहुत अच्छा मौसम रहा, काफी फैमिलीज मिली और बहुत अच्छा लगा हमें। आप ये देखो कैसे हम इतनी तेज आए हैं और देखो आगे तो बारिश बहुत अच्छी, मतलब मजा आ गया आज। लिटरली आज संडे का हमने इतना एंजॉय किया तो जो हम एंजॉय कर रहे हैं ये देख सकते हैं। अब ये दूसरी गाड़ियाँ आगे पीछे गई, गाड़ियाँ गोल्डी भी आगे पीछे, तो गोल्डी भी आगे साथ आए थे बकोरी से, लेकिन वो पीछे रह गई। हम ऐसे ऐसे इधर उधर से ऐसे ऐसे जाते हैं, खड्डे बचाने पड़ते हैं क्योंकि रोड में खड्डा, खड्डे में रोड। हमने टायर बचाने अपने, हमने टायर शॉकर सब बचाना है तो बहुत अच्छा लगता है। हेलो, ठंडे पानी में आके, मतलब आपने देखा अभी रिसेंटली जो पीछे हो। भी आप आगे देखो, मौसम देखो, हमें देखते रहते आप मौसम दिखाओ, ये देखो, ये देखो, भी आप आगे देखो, मौसम देखो, हमें देखते रहते आप मौसम दिखाओ। गजब बेइज्जती है, ये देखो क्या बात है, ब्यूटीफुल, ऑसम मौसम है। आज की कैप्शन भी रहेगी मौसम वाज ऑसम, मौसम अच्छा है ऐसे। फ्रेंड्स, ये था आज दिन भर का ब्लॉग, किस तरह से हमने पानी में एंजॉय किया, बकोरी को एक्सप्लोर किया और अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उस ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए, टूरिज्म को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए ताकि वहाँ टूरिस्ट प्लेस बन सके, हमारा बकोरी रजौरी एक्सप्लोर हो सके। तो यही था आज दिन भर का ब्लॉग, काफ़ी गीला हो चुका था, काफ़ी थक चुका हूँ आज, तो बस अब सोने का टाइम है, सोने लगे हैं। तो अब दीजिए इजाज़त, देखते रहिए मेरा ब्लॉग, जर्नलिस्ट ब्लॉग बाय शिवम बख्शी। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, प्लीज़ शो योर लव बाय सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। अपना प्यार बनाए रखें। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।